देखो तो यही सारी मूवीज की वजह से बॉलीवुड को लोग इतना ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि एक तरफ साउथ वाले एक से बढ़कर ऐसे ऐसी मूवीज निकाल रहे जो ग्राउंड लेवल की है, जिसे देखने के बाद ऑडियंस को लगता है कि यार ये तो हमारे ही गाँव की कहानी है, तो हमारी ही कहानी है। लेकिन दूसरी तरफ बॉलीवुड को देखो तो हम लोग स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी मूवीज देखते हैं जो कि हमारी इंडिया से दूर दूर तक कनेक्ट ही नहीं कर पाती है। अब करेगी भी कैसे, क्योंकि वो लोग पैदा होते हैं लंदन में, रहते हैं दुबई में, फिर मरते हैं अमेरिका में, तो ऐसे में उनको हमारे इंडिया के कल्चर, ट्रेडिशन और हमारे इंडिया के नेचर के बारे में क्या पता चलेगा। आज हम लोग बात करेंगे कंटारा मूवी की, जो कि 2.5 घंटे की, और ये फिलहाल सिर्फ कन्नड़ा लैंग्वेज में देखने को मिलती है, ये अभी हिंदी में नहीं आई है। बट खुशी की बात यह है कि 9 तारीख को इसका ट्रेलर आएगा हिंदी, फिर उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि ये मूवी हमें थिएटर्स में हिंदी में देखने को कब मिलेगी। लेकिन यकीन मानो, इस मूवी का जो एक्सपीरियंस है वो एक अलग लेवल का, बाप लेवल का एक्सपीरियंस है, जो आपको सिर्फ थिएटर में ही मिलेगा। खैर मूवी की कहानी बता दूँ, मूवी की शुरुआत में हमें 3 अलग अलग टाइमलाइन देखने को मिलती है, 1847, 1970 और 1990। खैर मूवी की शुरुआत होती 1847 में, जहाँ पर हमें एक किंग नजर आता जिसका एक खुशहाल किंगडम है, किंग की वाइफ भी है, बच्चे भी है, लेकिन किंग को एक मन की शांति नहीं है, तो इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता है बट उसको उसकी मन की शांति नहीं मिलती है। एंड में उसको एक पंडित बोलता है कि तुम्हें एक ऐसी जर्नी पर जाना पड़ेगा जिस जर्नी पर तुमको अपने मन की शांति मिलेगी। तो वो राजा उस जर्नी पर निकल जाता है, बहुत टेम्पल्स में ढूंढता है, बहुत गुरु लोगों से मिलता है, लेकिन उसको मन की शांति नहीं मिलती है। लेकिन फाइनली फॉरेस्ट में जाने के बाद उसको एक पत्थर नजर आता है, जिसे उस फॉरेस्ट में रहने वाले कुछ ट्राइब पीपल्स लोग पूजते हैं, मानते हैं। अब ऐसे में कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कैसे 1847 से कहानी 1990 तक आती है, फिर क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए, बहुत सारी चीजें जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी में बस एक ही चीज है जो मुझे थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट लगी, वो इसकी कहानी, जिसको काफी प्रेडिक्टेबल रखा गया है, लेकिन वो मेरे लिए था, बाकी आपके लिए होगा ये मुझे पता नहीं। लेकिन ओवरऑल इस मूवी की जो कहानी है, उसको जो एग्जीक्यूट किया है, वो तो भाई इतना गजब है कि भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्टार्टिंग में 1970 वाला जो सीन है और एंड का आधा घंटा लिटरली गूज़बम्प्स लाता है। और उस सीन में ऋषभ शेट्टी, जो कि इस मूवी के राइटर है, डायरेक्टर है और एक्टर है, क्या परफॉर्मेंस किया, मतलब उनका जो एग्रेसिव साइड हमें देखने को मिला है इस पर्टिकुलर मूवी में। ऋषभ शेट्टी के लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलूंगा कि बहुत सारी मूवीज जिसको हम लोग अंडररेटेड बोलते हैं, तो ये एक एक्टर है जिसको अंडररेटेड एक्टर बोल सकता है, जिसको अब तक अपना ड्यू नहीं मिला है फिल्म इंडस्ट्री में। हमने बहुत सारे साउथ के एक्टर को शाइन होते हुए देखा है बॉलीवुड में, लेकिन ऋषभ शेट्टी उन एक्टर्स में से है कि जिनका नाम कोई नहीं लेता, जिनके नाम को लोग जानते तक नहीं है, लेकिन यार जब इनका परफॉर्मेंस आप लोग इनकी अलग अलग मूवीज में देखोगे ना, इतने वर्सेटाइल एक्टर है कि मैं आपको क्या बोलूं। मैंने उनकी हर एक मूवी देखा, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो इस तरीके की माइंड ब्लोइंग मूवी हो, क्या परफॉर्मेंस किया उस पर। मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है भाई, आपको एक अलग ही दुनिया में लेके चले जाएगी। और इसकी अगर बीजीएम की बात करूँ, बी अजनेश लोकनाथ, साउथ इंडस्ट्री के बहुत सारे अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स का नाम लेते हैं, तो उसमें एक है बी अजनेश लोकनाथ, जिसकी म्यूजिक एक अलग ही लेवल की होती है, और वो अपनी मूवी को यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं। और यहाँ पर भी जिस तरीके का बीजीएम है ना भाई, सीरियसली एक अलग ही जोन में आप लोग चले जाओगे। दूसरे एक्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पर किशोर, जिसने यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल प्ले किया, उसने भी एक टक्कर दी है भाई ऋषभ शेट्टी को यहाँ पर परफॉर्मेंस के लेवल में। और अच्युत कुमार, कोई भी कनाडा मूवी अच्युत कुमार के बिना अधूरी है, तो इस मूवी में भी अच्युत कुमार अपना एक अलग एहसास लोगों को दिलाते हैं, मूवी बहुत अच्छी लगती है। एंड ज़्यादा मूवी की तारीफ नहीं करूँगा, आप लोग ये एक्सपीरियंस थिएटर में जाकर जरूर देखना, आपकी फैमिली के साथ देखो, ताकि आपको भी हमारे इंडिया के कल्चर ट्रेडिशन के बारे में पता चले। हमारी इंडिया इतनी बड़ी है, इतने अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, इतने उनके कल्चर है, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको महसूस करना तो भाई साउथ की मूवीज जाके देखो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 8 out of 10। डेफिनेटली ये ऐसी मूवी है जो मतलब बार बार नहीं बनती है, लेकिन अगर बनती भी होगी तो इसे साउथ इंडस्ट्री में ही बनती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।